Next, our topic of discussion is half-range series. Many a time, it is required to obtain a Fourier expansion of a function fx in the range 0 to L, which is half the period of the Fourier series. To solve such problem, we borrow the concept that it is immaterial whatever the function may be outside the range 0 to L. So, एक्सटेंड द फंक्शन टू कवर द होल रेंज माइनस एल टू एल सो द न्यू फंक्शन मे बी इवन और जो फंक्शन दिया गया फंक्शन जो जीरो टू एल में डिफाइन है उस फंक्शन को हम लोग जीरो एल के रेंज से बाहर माइनस एल टू एल मीन्स इस पूरे होल रेंज में इस रूप में एक्सपेंड करते हैं कि दिया गया फंक्शन पूरे मीन्स पूरे इंटरवल में माइनस एल टू एल में आइदर इवन हो और ऑड हो इफ यू डू सो द फोर ईयर ऑफ सच ए फंक्शन ऑफ ऑफ द पीरियड विल विल कंसिस्ट ऑफ साइन और कोसाइन टर्म्स ओनली वाई इट इज सो बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू द टॉपिक फोर ईयर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन और ऑड फंक्शन वट वी सो दैट if a function is even then the fourier series expan expansion will contain only cosine terms and if the given function is odd in interval minus l to l its fourier series expansion will contain only sine term that is why we have two half range series namely first one is half range cosine series if the extended function is even in minus l to l in that condition फंक्शन इज गिवन टू बी इवन दैट्स इट्स दट वायट्स एक्सपेंशन विल कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स एंड इट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला, एफ एक्स इक्वल टू हाफ ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल, वेयर द वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू वन बाय सॉरी टू बा Zero to L fx dx, and that of n equal to two by L zero to L f x cos n pi x by L dx. Next one is half range sine series in zero L. So we are going to study how a half range sine series. In interval 0, 1 can be obtained if the extended function is odd in interval minus l to l. In that condition, the Fourier series expansion will contain only sine terms, and it is given by the formula f(x) equal to summation n equal to 1 to infinity b_n sine n pi x by l dx, where the value of b_n will be given by b_n equal to 2 by l. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स साइन एन पाइ एक्स बाई एल डी एक्स विद इंटीग्रेटिंग लिमिट जीरो क्या है दो फॉर्मूला है हाफ रैंड सीरीज के लिए साइन सीरीज के लिए और कोसाइन सीरीज के लिए एक हमारा फॉर्मूला है हाफ रैंड को साइन सीरीज दिस एंड फॉर हाफ एंड साइन सीरीज इट इज दिस वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट देंशन फार्मूला For this, our example is: we have to obtain the Fourier half-range cosine series expansion of function f(x) equal to x in the interval 0 to 2. To solve, to solve it, we extend the function f(x) equal to x in the in minus 2 to minus 2 is less than x is less than 0 in such a fashion. एक्सटेंडेड फंक्शन रिप्रेजेंट एन इवन फंक्शन इन माइनस टू 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 देर इज नो नीट कि हम इसको निकालकर दिखाए कि किस रूप में मैंने एक्सपैंड किया है सिंस द गिवन फंक्शन इज इवन सो द फोर इसाइन्स सीरीज इज एफ एक्स इक्वल टू हाफ ए नॉट प्लस समेसन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनेटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बा एल

सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लिए बाय पार्ट से फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस एन पाई एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन हो गया टू बाय एन पाई साइन एन पाई एक्स बाय इंटीग्रेटिव लिमिट जीरो टू टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ़रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इज एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो गया वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकेंड फंक्शन हमारा था कॉस एन पाई एक्स बायू इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो गया टू बाई एन पाई साइन एन पाई बाई टू डीएक्स अब अगर इस पूरे वैल्यू में लिमिट सूट करते हैं और हम लोग इस रिजल्ट को यूज करते हैं साइन एन पाई इक्वल टू जीरो इस पूरे का वैल्यू हमारा हो जाएगा जीरो इसलिए मैंने यहां जीरो लिखा है माइनस अब दूसरे इंटीग्रेशन पर हम लोग अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं टू बाय पाई को बाहर कर दिए टू बाई जो टू एन बाई एन पाई था इसको यहां लिखे हैं सिमिलरली साइन एन पाई एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिए माइनस कॉस एन पाई एक्स बाय टू इंटीग्रेटिंग लिमिट जीरो कर रहे हैं ए एन इक्वल टू ये दोनों टू बाई एन पाई मल्टीप्लाइड होके हो गया फोर बाय स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई माइनस कॉस जीरो दट इज फोर बाय एन पाई स्क्वायर कॉस एन पाई इक्वल टू माइनस वन की पावर एन दाइनस वन की पावर एन माइनस वन देअर फोर इट इज इक्वल टू एट बाय स्क्वायर पाई स्क्वायर जब एन ऑड होता है और जब एन ई वन होगा माइनस वन पर स्क्वायर माइनस वन टू दावर फोर उस कंडीशन में इसका वैल्यू हो जाता है वन वन माइनस वन जीरो सपोज इट इज आवर इक्वेशन थ्री तो हमारा अगर इस सारे इक्वेशन वैल्यूज़ को मीन्स टू और थ्री ए नॉट और ए एन का वैल्यू जो हम, हम लोगों ने निकाला है अगर उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाला जाए तो हमारा सीरीज हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स ये दिया गया है इक्वल टू ए नॉट हमारा था टू तो हाफ ए नॉट मतलब हो गया वन माइनस एट बाय पाई स्क्वायर केवल इवन टर्म के लिए जीरो दिया गया है ए नॉन ए एन इसलिए इवन वाला कोई भी टर्म नहीं होगा एन इक्वल टू तो वन थ्री फाइव के लिए हो जाएगा कॉस फाइव बाई ट्वेल्व कॉस थ्री एक्स टू बाई थ्री पर स्क्वायर प्लस कॉस फाइव एक्स टू बाई फाइव पर स्क्वायर एंड सो ऑन दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द सिमिलर फैशन अगर मेरा क्वेश्चन होता कि साइन सीरीज निकालने के लिए हम साइन सीरीज वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते थे So, इस तरह से किसी भी फंक्शन का हाफ रेंज साइंस सीरीज या हाफ रेंज को साइंस सीरीज निकाला जा सकता है आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए एक ही फंक्शन का हम लोग को साइंस सीरीज भी हाफ रेंज साइंस सीरीज भी निकालने के लिए दिया जा सकता है हाफ रेंज को साइंस सीरीज भी निकालने के लिए दिया जा सकता है अंतर केवल यही होगा केवल फॉर्मूले का अंतर होगा